नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सोशल। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाए जाने वाले त्यौहार जन्माष्टमी के बारे में। जन्माष्टमी का त्यौहार भगवान कृष्ण का जन्मदिन के उपलक्ष्य में अगस्त के महीने में भारत में बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह धार्मिक त्यौहार कृष्ण पक्ष की अष्टमी या भादो के महीने में अंधेरे पखवाड़े के आठवें दिन मनाया जाता है। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु के सबसे शक्तिशाली मानव अवतारों में से एक माना जाता है। उनका जन्म 5200 साल पहले मथुरा में हुआ था। श्री कृष्ण के जन्म का एकमात्र उद्देश्य पृथ्वी को राक्षसों की बुराई से मुक्त करना था। उन्होंने महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भक्ति और अच्छे कर्म के सिद्धांत का प्रचार किया, जिसका वर्णन भागवत गीता में विस्तार से किया गया है। जन्माष्टमी पूरे भारत में भक्ति गीतों और नृत्यों, पूजाओं, आरती, शंख की ध्वनि और बच्चों की श्री कृष्ण की पालकी के साथ मनाया जाता है। शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय जन्माष्टमी को अलग अलग दिनों में मनाते हैं। इस बार शैव संप्रदाय यानी स्मार्ट समुदाय जन्माष्टमी को 23 अगस्त को और वैष्णव समुदाय 24 अगस्त को मनाएंगे। आपको बता दें कि शैव संप्रदाय के लोग भगवान शिव को प्रमुख मानते हैं, जबकि वैष्णव संप्रदाय के लोग भगवान विष्णु को प्रमुख मानते हैं। जन्माष्टमी को लेकर पंचांग में कुछ भेद हैं, क्योंकि 23 अगस्त को उदय तिथि में रोहिणी नक्षत्र नहीं रहेगा, 24 अगस्त को अष्टमी तिथि नहीं है। श्री कृष्ण का जन्म इन्हीं दोनों योग में हुआ था। 23 अगस्त को जन्माष्टमी इसलिए मनाई जाएगी क्योंकि रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत 23 अगस्त रात 11:56 से होगी। इसलिए जन्माष्टमी उत्सव रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाए तो यह ज़्यादा उत्तम रहेगा। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में जन्मे थे। आइए अब आपको बताते हैं कि किन मशहूर मंदिरों में जन्माष्टमी किस प्रकार से मनाई जाएगी। उज्जैन के प्राचीन गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी पर्व 23 अगस्त की रात 12 बजे मनाया जाएगा। पुजारी अर्पित जोशी के अनुसार 24 अगस्त को नंद उत्सव मनेगा। श्री कृष्ण के जन्मस्थली मथुरा में इस साल 24 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जन्माष्टमी के दिन क्या काम आपको करना चाहिए, आइए अब उनके बारे में आपसे जानकारी साझा करते हैं। जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान कर लें, इसके बाद राधा कृष्ण मंदिर में जाकर मूर्ति पर पीले रंग की माला पहनाएं। यह उपाय करने से देवी लक्ष्मी और भगवान कृष्ण खुश होंगे। इसके अलावा श्री कृष्ण की विशेष कृपा अर्जित करने के लिए सफ़ेद रंग की मिठाई, साबूदाना या खीर को बनाकर उसमें मिश्री और तुलसी के पत्ते डालकर भगवान को भोग लगाएं। यह उपाय करने से भगवान श्री कृष्ण जल्द प्रसन्न होंगे। जन्माष्टमी के दिन इन 3 मंत्रों का जाप करने से भी भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश होते हैं। आइए जानते हैं क्या है वो 3 मंत्र। पहला मंत्र, गोवल्लभाय स्वाहा। एक बार और बताती हूँ मैं आपको, गोवल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र में 7 अक्षर हैं। इस मंत्र का जाप करने से हर कार्य में सफलता मिलेगी। दूसरा मंत्र, गोकुलनाथाय नमः। इस मंत्र में 8 अक्षर हैं। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब बारी है तीसरे मंत्र की। तीसरा मंत्र है, ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय। एक बार और, ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय। इस मंत्र में 12 अक्षर हैं। इस मंत्र का जाप करने से इष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा क्रम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। यदि आप इन सभी मंत्रों का जाप करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। हमारी इस विशेष पेशकश को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।